दोस्तों यूएफोलॉजी में रॉबर्ट टेलर इंसिडेंट या लिविंगस्टन इंसिडेंट या डेकमंड वुड्स एनकाउंटर एक ऐसी यूएफओ घटना है जिसमें रॉबर्ट द्वारा एक स्पेसक्राफ्ट को देखा गया था, और ये पहली यूएफओ की घटना है जिसकी जांच पुलिस द्वारा की गई थी। टेलर लिविंगस्टन डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन में एक फॉरेस्ट्री वर्कर था और 9 नवंबर 1979 को वो जंगल में अपने कुत्ते के साथ था। ये उनका रूटीन रास्ता था और वो दिन भी एक आम दिन की तरह ही था कि तभी उसका कुत्ता भौंकने लगा। टेलर ने जब उस तरफ देखा जिधर देख के उसका कुत्ता भौंक रहा था, तो उसे डार्क मेटेलिक कलर का स्पेसक्राफ्ट दिखाई दिया। ये लगभग 6.5 मीटर के व्यास में था और उसका बाहरी टेक्सचर सैंड पेपर की तरह लग रहा था। टेलर धीरे धीरे डरता हुआ उस चीज़ के पास तक गया और उसका एक आउटर रिंग था जो घूम रहा था, और उसे जले हुए ब्रेक ऑयल जैसी दुर्गंध आ रही थी। जैसे ही वो उसके और पास पहुंचा तो उस चीज़ में से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, और इसके साथ ही दो छोटे कांटे लगे गोले उसमें से निकले और टेलर की तरफ आने लगे। ये देखकर वो भागा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो गिर गया और ये दोनों गोले उसकी टांगों में चिपक गए और उसकी टांगों को घसीटते हुए स्पेसक्राफ्ट की तरफ ले जाने लगे। इसी दौरान टेलर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसे लगा कि लगभग 20 मिनट हो चुके थे, और उसे यह भी लगा कि ये छोटे गोले उसे यान के अंदर ले गए थे। उसे जले हुए ऑयल और सल्फर की गंध आ रही थी, और उसने आसपास देखा कि बड़े अजीब से सीढ़ीनुमा से निशान बने हुए थे। टेलर इस घटना से बहुत डर गया और बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ अपने ट्रक तक पहुंचा। उसने उसमें मौजूद वॉकी टॉकी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकली और उसका ट्रक भी शुरू नहीं हो रहा था। खैर, वो जैसे तैसे पैदल घर पहुंचा, और उसकी बीवी ने उसकी मिट्टी लगी और फटी हुई पैंट को देखा और डॉक्टर और पुलिस को फोन कर दिया। डॉक्टर ने उसकी ठोड़ी और टांगों में पड़ी हुई खरोचों का इलाज किया, और पुलिस उसके साथ उस जगह तक गई और उन्होंने उन सीढ़ीनुमा निशानों को भी देखा, और उन्होंने इसे एक क्रिमिनल केस की तरह दर्ज किया। ये कहानी आग की तरह फैल गई और लोगों ने उस जगह एक तख्ती लगा दी और इस घटना को अमर कर दिया। यूएफओ स्केप्टिक्स ने इसे एपिलेप्सी का दौरा कहा और उसकी पुरानी मेनिनजाइटिस बीमारी का भी हवाला दिया। किसी ने तो यहाँ तक कहा कि टेलर को एक मिनी हार्ट अटैक आया था। खैर, सच्चाई जो भी हो, ये एक अनोखा केस रहा और इस पे बहुत सी किताबें भी लिखी गईं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।